मेरे लोग जो है वो असेंबली को से इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन जब वक्त आता है स्पीकर के पास आना तो फिर उसका वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग और परवेज खटक गायब हो जाते हैं। वो भी अगर इस्तीफ़ा नहीं देना चाह रहे हैं, वो भी अगर असेंबली नहीं पहुंचने हैं, तो बाकी मैं आपको लिस्ट सुना सकता हूं उनका बेचारे उधर जो है जो पाव पकड़े हुए हैं स्पीकर साहब का कि हमारा इस्तीफ़ा ना वसूल किया जाए। तो खान साहब अपना सियासत करता रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल में कि ये सियासत ना सिर्फ उनका सियासी मुस्तकबिल को नुकसान दे रहा है लेकिन मुल्क को नुकसान दे रहा है। ज़िद का उसका अली इलेक्शंस तो हो नहीं सकते हैं। एडवाइस ये है कि वो आए पार्लियामान में बैठे, अपना सही किरदार अदा करे। 6 महीने अगर वो वज़ीर आज़म नहीं रहा तो क्या क़यामत होगी। जहाँ तक MQM की बात है, मैं समझता हूँ कि हमने MQM के साथ मिलकर काफ़ी चीज़ें हासिल की हैं। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ हमारा बहुत से इश्यूज़ और आपस में इख्तलाफात रहे हैं और आगे जाके भी होंगे ज़रूर, और हमें हर किसी के साथ, हर पाकिस्तान में जो स्टेक होल्डर है, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, जो जिनका अपना एक वजूद है, उनसे हम मिलके काम करने की कोशिश करें।